हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युथिका आर्ट। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए, आज मकर संक्रांति है तो फिर इसके लिए हम कार्ड बनाते हैं। तो कार्ड ये उड़ने वाली तो नहीं है, लेकिन डेकोरेशन के लिए है। तो इसके लिए मैंने पेपर्स के रोल बनाए थे पहले, तो वो लिए हैं, मल्टी कलर्स के ऊन लिए हैं। तो इन्हीं का यूज़ करके हम एक पतंग बनाएंगे अपनी। तो चलिए, सबसे पहले जो मैं ये दो पेपर रोल ली हूँ उसे मैं 20 सेंटीमीटर का कट कर लूँगी दोनों साइड से। दोनों साइड से कट करने के बाद इसको हम प्लस का साइन जैसे बनाएंगे, एक रूप देंगे। उसके बाद इसमें ऊन से नॉट दे देंगे दोनों साइड से, जिससे कि ये हिले नहीं। जब हम इसमें ऊन लपेटें तो ये हिले नहीं। तो दोनों साइड से इसमें नॉट बांध देंगे प्लस का साइन बना के। फिर उसके बाद इसमें सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर का ऊन फिल किया है, उसको ट्विस्ट करके रोल करना है। जैसे ट्विस्ट करेंगे, रोल करेंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे लपेटते जाएंगे सारे जो चार स्टिक हो गई है अब हमारी, तो उस पर ऐसे ही करते जाएंगे। इसके बाद जो और भी मैंने मल्टी कलर से ऊन लिए हैं तो उन सभी को भी ऐसे ही फिल कर देंगे। फिर जैसे मल्टी कलर ऊन जब दूसरा कलर यूज़ करना है, तो फिर यहाँ पे कट करके इसमें दूसरा ऊन के नॉट बांध के फिर उसको भी ऐसे कर लेंगे। ये बहुत इजी है, लेकिन बस एक बार सही से हो जाए तो बहुत इजी है। फिर मैंने रेड ऊन लिया है ऐसे ही, मैं सारे इसको कलर को फिल कर दी। और लास्ट में मैं यहाँ पर ग्रीन कलर के ऊन से फिल कर रही हूँ इसको। तो देखिए, हमारी काइट जो है, हमारा जो ऊन और पेपर से ये काइट बन रही है, बन के रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम टैसल्स बनाएंगे। टैसल्स के लिए मैंने कार्डबोर्ड का 15 राउंड लिया, उसके बाद कट करके इसको अच्छे से टैसल्स बना दी। तो काफ़ी सारे मैंने टैसल्स बनाई थी, तो यहाँ पर मैं चार टैसल्स का यूज़ कर रही हूँ। तो पहले यहाँ पर कॉर्नर पे ऑरेंज का, फिर बीच में ग्रीन, और लास्ट में नीचे रेड कलर के टैसल्स मैं लगा रही हूँ। फिर लगाने के लिए सिंपल सा ऊन में सुई लगा के इसको टक कर देंगे। हो गया, बन गई हमारी काइट, हमारी पतंग अच्छे से बन गई मकर संक्रांति स्पेशल। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी पतंग कमेंट में बताइएगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।